भारत अपनी अनोखी संस्कृति की वजह से पूरे दुनिया में जाना जाता है। वहीं पूरी दुनिया के लोगों के बीच भारत की पहचान कर्मकांड, तंत्र मंत्र और काला जादू जैसे कुकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको शायद ये बात पता हो कि कई तरह की तंत्र साधना होती है, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि कुछ लोग मूर्तों का मांस खाकर भी इस तरह की कथाकथित तंत्र साधना को पूरा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, मूर्तों का मांस खाकर साधना करते हैं। आखिर ये अघोरी होते कौन है? तो आपको बता दें कि अघोरी कोई साधारण साधु नहीं होते हैं, बल्कि इस दुनिया से बहुत ही अलग अघोरी होते हैं। ये अघोरी बाबा आसानी से अघोरी बाबा नहीं बन जाते। अघोरी बनने के लिए इन बाबाओं को कई प्रकार की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बहते पानी से लेकर जलती आग में प्रवेश करना अघोरी बनने का पहला चरण होता है। इनके समुदाय रहस्य ये होते हैं कि बनारस और गंगा नदी के आसपास ये लोग रहते हैं। साथ ही ये आपको असम के कामाख्या मंदिर, जूनागढ़ का किरनार पर्वत जैसी धार्मिक जगहों पर ये आसानी से मिल जाएंगे। अगर इनकी कर्म भूमि की बात की जाए तो इनकी कर्म भूमि हमेशा से वाराणसी ही रही है। दरअसल अघोर समुदाय हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। ये अघोरी शिव महाकाल को अपना पूज्य मानते हैं। और ये क्या खाते पीते हैं? तो आपको बता दें कि दरअसल अघोरियों का मानना है कि मूर्तों का मांस खाने से मौत का डर इनके दिलो दिमाग से निकल जाता है। और ये तंत्र मंत्र की विद्या, शरीर की पूजा अर्चना करके उस मृत देह के ऊपर पालती आसन में बैठकर घंटों तपस्या करते हैं ताकि इन्हें अघोरी शक्ति हासिल हो सके। जब कुछ दिनों तक तपस्या करने के बाद लाश सड़ने लगती है तो उसी मांस का अघोरी इसका सेवन करते हैं। तो वहीं इसका महिलाओं के साथ ये शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। कहा जाता है कि अगर अघोरियों कम उम्र की लड़की का शव मिल जाए तो ये लोग खुशी से झूम उठते हैं। इन शवों के साथ अघोरी शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो कि अघोरी साधना का एक ही हिस्सा माना जाता है। ताज़ा अपडेट्स के लिए नेशनल 18 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।